17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष। पितृपक्ष में क्या करें क्या नहीं, देवताओं की पूजा करें या नहीं, 15 दिन यहां जरूर जलाएं एक दीपक। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कब से कब तक है, पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करें या नहीं, नियम और पितृपक्ष में किए जाने वाले उपायों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसमें पितरों को याद किया जाता है और उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए पितृतर्पण व श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ होकर अश्विन अमावस्या तक चलता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में जो भी पितृतर्पण, पितरों का श्राद्ध और दान पुण्य के कार्य करता है तो उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं साल 2024 में पितृपक्ष कब से कब तक है, पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करें या नहीं और इस पक्ष में किए जाने वाले उपाय क्या हैं। पितृपक्ष कब से कब तक 2024। पंचांग के अनुसार साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर 2 अक्टूबर अश्विन अमावस्या तक चलेगा। 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध और 18 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को प्रातःकाल 11:44 से शुरू होकर 18 सितंबर को प्रातःकाल 8:04 पर समाप्त होगी। पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुत्ते, कौवे, चींटियों और गाय को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितृतर्पण में कुशा और तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना और सामर्थ्य अनुसार दान देना शुभ होता है। इस पक्ष में दान करना चाहिए। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। घर पर आए व्यक्ति या जरूरतमंद का निरादर न करें बल्कि उन्हें भोजन आदि कराकर दान करना चाहिए। पितृपक्ष में नाखून, दाढ़ी और बाल भी नहीं कटवानी चाहिए। पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करें या ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष पितरों को समर्पित है। पितृपक्ष के दौरान पितृ पृथ्वी पर वास करते हैं। ऐसे में इस दौरान पितरों की पूजा करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। वहीं देवी देवताओं की पूजा सुबह शाम के समय की जाती है जबकि पितरों की पूजा के लिए दोपहर का समय निश्चित होता है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से रोजाना की तरह ही देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पितृपक्ष के उपाय। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितृश्रोत और पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पितृपक्ष के इन खास दिनों में रोजाना सरसों के तेल का एक दीपक, काले तिल और काली उड़द की कुछ दाने डालकर घर की दक्षिण दिशा में रखने से पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदलकर घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।